हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मट एंड आई एम योर लर्निंग पार्टनर उदित। तो ये वीडियो हमने बनाया है इन एसोसिएशन विद नवोदय मिशन, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में सक्रिय है, और प्रेरणा एनजीओ जो कि दलीपल्ली उड़ीसा में सक्रिय है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में। तो प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, देखिए ये आपके सारे कमर्शियल अरिथमेटिक्स में आते हैं। मतलब आपको जब भी कोई लेन देन करना हो, या तो आप बैंक में जाओ या फिर आप डेली यूज में, अगर आप शॉप में जाते हो, कोई शॉप में जाते हो, तो वहां पे आपको प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे प्रॉफिट क्या होता है। सबसे पहले प्रॉफिट क्या होता है, सपोज आपने एक बुक खरीदा, बुक का कॉस्ट प्राइस था 240। कॉस्ट प्राइस कहने का मतलब इस बुक का जो ओरिजिनल दाम है, ठीक है, वो कितना है, 240 रुपीज लगा। नेक्स्ट है कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस जिस दाम पे आप उसे सेल कर देते हो, जो आप मार्केट में उसे अवेलेबल करा देते हो जिस प्राइस पे, वो हो गया आपका सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस था आपका जिस पे आपने उस बुक को खरीदा, ठीक है। अगर आप एज ए शॉपकीपर सोचो अपने आप को, तो जिस प्राइस में आपने उसे खरीदा वो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, और जिस पे आपने सेल कर दिया वो हो गया आपका सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब अगर आपने जो बेचा माइनस जो आपने खरीदा था, ठीक है, एसपी माइनस सीपी इक्वल्स टू योर ₹60। ₹60 कैसे आया, 300 माइनस 240, ठीक है, तो ये आपका ₹60 आया, तो ये आपका हो गया प्रॉफिट। ये देखिए पॉजिटिव है, एसपी माइनस सीपी अगर पॉजिटिव होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लॉस क्या होता है, वही अगर आप देखो सेम बुक आपने खरीदा तो 240 में था, बट आपने उसे ₹200 में बेच दिया, ठीक है, तो फिर आपका इस पे एसपी माइनस सीपी क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा मतलब आपने इस पे लॉस किया है, आपने इस पे कुछ प्रॉफिट नहीं किया, आपने इस पे लॉस किया है, ओके। तो इस पे मैंने एसपी माइनस सीपी किया है, लेकिन फ्यूचर में जब भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो आप क्या करोगे, सीपी माइनस एसपी, मतलब आपको ये बताने कि आपकी जेब से कितना गया है, ठीक है। सीपी मतलब आपने उसके लिए 240 लगाया था, बट आपने उसे सेल कर दिया 200 में, तो आपके जेब से कुछ गया ना भाई, कितना गया, ₹40 गए, ओके, ₹40 गए, तो ये ₹40 आपके जेब से गए, इसीलिए आप इसे पॉजिटिव लिखाओगे, बताओगे मेरे जेब से गए हैं। इसका मतलब नेगेटिव का मतलब क्या है, कि मेरे जेब में आए हैं, समझ रहे हैं, इट्स समथिंग लाइक दैट। अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, चलिए सेम एग्जांपल सेम डेटा के साथ हम समझते हैं कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 240 था, सेलिंग प्राइस 300 था, तो इसका प्रॉफिट कितना आया था, आपका प्रॉफिट होगा आपका एसपी माइनस सीपी, दैट इज ₹60 हो गया। नाउ प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, देखिए परसेंटेज हम जब भी निकालेंगे तो हम एक फिक्स्ड वैल्यू के आधार पर निकालेंगे। फिक्स्ड वैल्यू मेरा क्या है, आपने खरीदा 240 में, बट आप उसे बेच सकते हो 300 में बेच सकते हो, आप उसे 320 में बेच सकते हो, आप उसे 280 में बेच सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो फिक्स्ड क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस, तो हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, तो क्या होगा, एसपी माइनस सीपी अपॉन 100। प्रॉफिट आपका एसपी माइनस सीपी था ना, और ये कितना हो गया, 300 माइनस 240 अपॉन 240 इंटू 100%, मतलब 60 अपॉन 240 इंटू 100%, दैट इज नथिंग बट 25% आपने प्रॉफिट कमा लिया। अब लॉस परसेंटेज क्या होता है, सिमिलरली हम लोग देखेंगे क्या, कि हमने लास्ट में बताया था क्या, एसपी माइनस सीपी मैंने किया था जो कि नेगेटिव आ रहा था, बट यहां पे हमें सीपी माइनस एसपी करना है फॉर सेक ऑफ अवर कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन। चलिए तो ये आपका हो गया ₹40। नेक्स्ट हो गया लॉस परसेंटेज क्या हो गया, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100%, दैट इज नथिंग बट 240 माइनस 200 अपॉन 240 इंटू 100%, और ये लॉस आपका आ गया 16.67%। इस तरह से हम लॉस परसेंटेज निकालते हैं। अब हम जानेंगे डिस्काउंट किसे कहते हैं। डिस्काउंट आप बड़े बड़े मॉल्स में गए होंगे, या फिर कोई दुकान में भी जाते होंगे, या फिर किसी प्रोडक्ट में भी लिखा रहता है कि एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% और 10% एक्स्ट्रा, दोनों का थोड़ा डिफरेंस मीनिंग है। डिफरेंट मीनिंग है कि डिस्काउंट हम लोग मार्केट प्राइस पे देते हैं, और एक्स्ट्रा मतलब जो दिया है उससे हमने थोड़ा सा आपको बढ़ा के दे दिया, ठीक है। तो किसी भी शॉप में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि डिस्काउंट मिलता है, बट उससे पहले हम लोग जानेंगे कि मार्क्ड प्राइस क्या होता है। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, अगर आप अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, सपोज आपने एक शर्ट खरीदा, शर्ट खरीदा तो उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ रहता है, तो उस टैग में आप देखोगे क्या, कि जो एमआरपी लिखा हुआ रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वही आपका मार्क्ड प्राइस हो गया, ठीक है। तो अब मार्क्ड प्राइस पे ही हम लोग डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए हमने जाना कि मार्क्ड प्राइस किसे कहते हैं। नेक्स्ट डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट प्राइस आप एग्जांपल के साथ समझिए कि अगर आपका मार्केट प्राइस है ₹1800, आपने उसे सेल कर दिया कितने पे, ₹1500 पे,
तो मार्क्ड प्राइस था 1800, आपने दिया 1500, इसके बीच का कुछ डिफरेंस आएगा? तो इसके बीच का जो डिफरेंस आपका आएगा उसी को हम कहेंगे डिस्काउंट। ओके, ये आपका डिस्काउंट हो गया। और डिस्काउंट क्या होगा? मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो 300, सिंपल। अब डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? जैसे हमने उस पे देखा था, क्या उस पे हमने देखा था? प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। तो यहाँ पे आप डिस्काउंट परसेंटेज, यहाँ पे फिक्स वैल्यू आपका क्या है? मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस आप चेंज कर सकते हो क्या? शॉपकीपर ऑब्वियसली कर सकता है अगर उसका नियत खराब हो तो, बट मार्क्ड प्राइस हम लोग चेंज नहीं करते हैं। तो अगर हम लोग मार्क्ड प्राइस चेंज नहीं करते, मतलब मार्क्ड प्राइस हमारा फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब हम लोग डिस्काउंट उसी के ऊपर लगाएंगे, और डिस्काउंट परसेंटेज भी हमारा जो निकलेगा वो फिक्स्ड वैल्यू के ऊपर लगेगा। फिक्स्ड वैल्यू के ऊपर मतलब किसी के ऊपर लगेगा, मतलब आपका जो है वो डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है? तो एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू 100%। सो ये था आपका 16.67%। अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको समझा देता हूँ, आप इसको खुद से बनाना, उसके बाद मेरे नेक्स्ट लेक्चर पे आप उसे देख सकते हो। राम परचेजेस शर्ट फॉर ₹300, 360 एंड सेल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। उसने उस पर प्रॉफिट कमाया, किस पे? 360 पे। तो 360 का 10% कितना होता है? 36 रुपीज। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो आप उसका सेलिंग प्राइस निकालो। सेलिंग प्राइस क्या होता है आपका? मैंने जो पहले बताया था कि प्रॉफिट इक्वल्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, और सीपी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, सॉरी एसपी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? प्रॉफिट प्लस सीपी। सो आपका आंसर यहां से निकल आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है? शॉपकीपर परचेजेस टूथपेस्ट एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 1/4 द परचेज प्राइस। मतलब अगर परचेज प्राइस आपका एक्स था तो उसका 1/4 करो, 1/4, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो एक्स प्लस 1/4x क्या हो गया आपका? सेलिंग प्राइस हो गया ना एसपी। तो आप इससे भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो आपको कहता है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेंस, इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस? आपने जिस दाम पे 20 पेन बेचे उसी दाम पे आपने 25 पेंस खरीदे, तो बताइए इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? अगर हुआ कुछ भी तो आप उसका परसेंटेज निकालिए। व्हेन अ शॉपकीपर सेल्स टू आइटम्स एट द सेम प्राइस, ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन वन आइटम एंड अ लॉस ऑफ 20% ऑन अदर आइटम। फाइंड हिज नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। मतलब कि अगर आपका एक सामान है, एक पेन आपने खरीदा, उसे आपने एक बार उसे 10 रुपये में खरीदा लेकिन आपने 12 रुपये में बेचा, और दूसरी बार आपने 8 रुपये में बेचा। परसेंटेज वाइज वो सेम नहीं है, बट आपने ये किया, बट आपको ये बताना है कि नेट प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। नेक्स्ट अगर आप देखो, अ शॉपकीपर बाइज 20 एप्पल्स फॉर ₹300, उसमें से आपके 2 एप्पल क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो उसे जो बाकी एप्पल कितने बेचने ताकि वो प्रॉफिट 30% कमा ले। अ शॉपकीपर परचेजेस 5 पीसेस ऑफ एन आइटम एट ₹4 एंड सेल्स 4 पीसेज एट ₹5। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अ शॉपकीपर परचेज 1000 एग्स आउट ऑफ विच 90 गॉट डैमेज, वो आपके डैमेज हो गए। ही सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 9.6 पर डजन, ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 12%। फाइंड द परचेज प्राइस, किस दाम पे उसने खरीदा था। अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 40% बाय सेलिंग एन आइटम आफ्टर अ फ्यू डेज व्हेन द परचेज प्राइस ऑफ द आइटम डिक्रीज्ड बाय 10%, ही सेल्स द आइटम एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। फाइंड हिज न्यू प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप इन सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को एक बार अटेम्प्ट जरूर दें, और मैथ्स मट के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारे यूट्यूब वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी देख सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता जाए। और फेसबुक के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उदित शर्मा मैथ्स आप टाइप करें, उदित मैथ्स आपको मिल जाएगा हमारा ग्रुप फेसबुक में। उसी तरह टेलीग्राम में भी आप @उदित_शर्मा8 आप टाइप करें, आपको मिल जाएगा हमारा ग्रुप। थैंक यू।